हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। सबसे पहले हमें देखने वाले सारे दर्शकों को मैं अरविंदा केला कल्लू बार बार प्रणाम करता हूँ। और आज बड़ी खुशी की बात है कि फिर से प्रमोद सर के साथ हम लोग नए फिल्म का आज मुहूर्त किए। प्यार तो होना ही था। और बताते चलो कि बहुत खुशी होती है कि जब एक टीम फिर से एक फिल्म बनाती है, खास करके प्रमोद सर के साथ जब भी हम लोग काम करते हैं बहुत मज़ा आता है। और अब तो अमित सर हम लोग के साथ जुड़ गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जैसे आप लोगों ने पहले इसके पहले हमारी फिल्मों को प्यार दिया, आशीर्वाद दिया है, उससे कहीं बढ़ के और आप लोग इस फिल्म को प्यार दें। देखिए, हम लोग का हैट्रिक फिल्म है। पहला तरफ़ इक्स ना हो भी रोमांटिक थी और मैं बोला कि सर क्या रोमांस करवा रहे हैं, कुछ एक्शन वैक्शन कराइए। तो इतना नहीं छलिया में एक्शन करा दिया, हम बोले जाने दीजिए प्रणाम, आप फिर से हमसे रोमांस कराइए। तो इनके साथ इसलिए अच्छा लगता है कि ये समझते हैं मैं क्या करूँगा तो अच्छा लगूँगा। हर लोग फिल्म बनाते हैं, हर लोग अच्छा फिल्म बनाते हैं, लेकिन ये चीज़ों को समझते हैं कि मैं क्या करूँगा, हमको देख के प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ये इनमें ये अच्छाई है और काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग है। सेट पर हम लोग, हमारी और इनकी फीलिंग सेम होती है। हम जब भी एक्ट करते हैं, कुछ भी अगर इधर उधर होता है तो इशारों में ये बता देते हैं कि बाबू ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो हम लोग समझ जाते हैं। और तीन फिल्म हो गई एक साथ, तो ऐसा बोल सकते हैं कि हम दो चीज़ एक जान हैं। बहुत प्यार करते हैं हमसे, बहुत ज़्यादा है। मतलब क्या बड़े कुछ कुछ अंदर की चीज़ें पता है कि क्या उसमें दिखाएंगे? एक बार एक्शन कर लिया, आपने रोमांस कर लिया, फिर यहाँ पे रोमांस के साथ शब्द आ रहा है, तो क्या? देखिए, सर के साथ जब भी करते हैं कुछ नया करते हैं, हर लोग नया करते हैं, तो प्यार तो होना ही था, ये तो टाइटल है। लेकिन प्यार क्यों होना था, प्यार किस लिए होना था, ये सस्पेंस रहेगा। और ये मैं बता सकता हूँ कि अभी तक जितना हम लोगों ने, हम दोनों ने काम किया है, ये अमित सर के साथ हमारी पहली फिल्म है और भगवान करे कि ये शुरुआत कभी ख़त्म ही ना हो, हम लोग बैक टू बैक अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं। तो मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ हट के, दोनों फिल्मों से ज़्यादा हट के ये फिल्म हम लोग करेंगे, क्योंकि इसके राइटर जो हैं एस के चौहान जी, वो हमारी एक टीम है। प्रमोद सर रहते हैं तो एस के चौहान सर रहते हैं, हम रहते हैं, और खास करके छलिया की पूरी टीम भी पिटी हुई है। जैसे देव सिंह जी हैं हमारी इसमें एक्ट्रेस हैं, यामिनी सिंह जी, समर्थ भैया हैं, तो सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, तो उसका एक अलग ही आनंद आता है, अलग ही मज़ा आता है। तो पहले भी बोला कि कुछ हट के और कुछ नया बनाएंगे ताकि हमारे दर्शक पसंद करें। सर, दर्शकों की मतलब शुरुआत कब होगी और दर्शकों के लिए कब तैयार होगी, कुछ इस तरह का आइडिया आपके पास होगा? अभी तो आज मुहूर्त हुआ है, 8 जनवरी से हम लोग इसको लखनऊ में शूट कर रहे हैं पूरी फिल्म, और स्टार्ट टू एंड हम पूरी फिल्म जनवरी से आगे तक जब तक चलेगी तब तक कर लेंगे। और हमारा ये ऐसा सोचना है, मैं दो बार से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं गर्मी के महीने में जून में फिल्में रिलीज करूँ, किसी कारण से एक आध महीना लेट हो जाती थी, इस बार मेरी पूरी ट्राई है कि मैं इसको किसी तरह से मई या जून के बीच में रिलीज कर दूँ। तो मैं एक बार में एक ही फिल्म बनाता हूँ और एक ही सब्जेक्ट पे पूरी तरह से काम करता हूँ, तो कोशिश ये रहती है कि एक फिल्म बनाऊँ, उसको रिलीज करूँ, उसके बाद दूसरी फिल्म। सर के बारे में क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर हैं, कैसे इनको आप साथ देंगे, क्या हम इनका शेड्यूल 15 दिन में खत्म करेंगे कुछ इस तरह? नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं करते हैं, हम क्वालिटी वर्क करते हैं और प्रोड्यूसर को पहले से ही बता के रखते हैं। अमित जी भोजपुरी सिनेमा में तो एक तरह से एक सरप्राइज की तरह से आए हैं, इनकी लैंग्वेज भी नहीं है, लेकिन इनके पास जितने भी 2,500 स्टाफ हैं, सब लोग जो है ऑलमोस्ट हमारे यूपी और बिहार से ही आते हैं, इनका एक बड़ा सा अच्छा सा अटैचमेंट था, ऐसे हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, लेकिन अभी इनको लगा कि एक अच्छा सिनेमा बनाना चाहिए बढ़िया से, और हम लोग ने म्यूचुअली एक डिस्कस किया और कर रहे हैं। अमित जी कंटिन्यू काम करेंगे, वेरी नाइस गाई, और ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आएँ और अच्छा करें, उसमें अमित जी का भी स्वागत है और करेंगे, हमारे अच्छे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं, तो अच्छा से अच्छा ही करेंगे, और बहुत ही सुलझे हुए हैं और हमेशा एक चीज़ बोलते रहते हैं, वो क्या बोलते हैं सर? बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ। हाँ, वैसे बोलते हैं, भुवन तुम हो तो सब हो जाएगा, आपको लगान का डायलॉग याद होगा जी। तो मैं कुछ भी बोलता हूँ, सर ये ऐसा है, हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं अपने प्रोड्यूसर्स को एकदम कॉन्फिडेंस में लेकर उनको सब कुछ बता के करते हैं। तो इसके लिए अमित जी जब भी बहुत चीज़ें, चूँकि अभी थोड़े से सिनेमा इंडस्ट्री के लिए नए हैं, वैसे शेयर मार्केट का काम है, लेकिन ये है कि जब भी इनको कुछ लगता है कि मैं डिटेल्स बहुत बोल रहा हूँ और फिर कन्फ्यूजन आ रहा है, तो भुवन तुम हो सब अच्छा है जी। सर आपसे जानना चाहेंगे, जब इन्होंने इतनी सारी बातें आपको
आपके लिए कह रहे, तो आप क्या कहेंगे अब इस बारे में, आपको क्या क्या लग रहा है इसके? मुझे पहले से भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर, भोजपुरी संस्कृति के ऊपर प्यार था काफ़ी। हमेशा मैं एक्साइटेड रहता था कि कुछ ना कुछ मैं करूं, तो काफ़ी परिवार दोस्त के लोग, काफ़ी करीबी लोग वहां से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में प्रमोद जी हैं, भुवन हमका हिम्मत है तोरे, हमको भरोसा है तोरी हिम्मत पे। तो प्रमोद जी पुराने मित्र हैं, मिल गए एक बार। और अरविंद कल्लू जी, उनका मैं फैन भी रहा हूँ, ज़्यादा मुझे पता नहीं है पर एक दो फिल्में उनकी जो जैसे जैसे रफ देखा था, तो तब से ऐसा इच्छा था कि अरविंद जी को साथ में लेके, और प्रमोद जी हमारे कैप्टन जो हैं उनके ऊपर तो पूरा कॉन्फिडेंस है। तो हमने कहा शुरुआत करते हैं, बस शुरुआत करिए, अभी आसमान बाकी है, रुकेंगे नहीं हम। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।